अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुएब खानजादा डोमिनियन प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से। बड़े दिनों बाद प्रोजेक्ट की अपडेट आ रही है, तो बस कुछ बारिशों का सीज़न था, उस वजह से काम भी रुके हुए थे और ज़रा थोड़ा सा मूड भी नहीं उस तरीके से बन पा रहा था। चलें खैर। अच्छा जी, आज हम आपको डोमिनियन फूड स्ट्रीट 1 का कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखाने जा रहे हैं। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं जिन फूड स्ट्रीट 1 में, उनको तो आइडिया है। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जो चीज़ ख़रीदना चाहते हैं इसमें ग्रे स्ट्रक्चर में, तो उनको मैं आपको बता दूं कि डोमिनियन फूड स्ट्रीट डोमिनियन प्रॉपर्टीज़ का प्रोजेक्ट है। और डोमिनियन प्रॉपर्टीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन के सबसे बड़े और जिसे कहते हैं कि फास्ट पेस बिल्डिंग स्ट्रक्चर में बड़े फेमस हैं। ठीक है, तो डोमिनियन फूड स्ट्रीट मेन गेट से आपका 3 से 4 मिनट की ड्राइव है। ग्राउंड प्लस 8 का इसका स्ट्रक्चर है, और अगर आप देख भी रहे होंगे साथ इसमें वीडियो में, तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड प्लस 7 के हम नज़दीक पहुंच चुके हैं, यानी कि 7वां फ्लोर आधा बन चुका है और अभी आधा कंस्ट्रक्ट होना है। तो इसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं जो कि 450 स्क्वेयर फुट से लेकर 550 स्क्वेयर फुट तक की हैं, और उसके ऊपर जो फूड स्ट्रीट की हैं टोटली इसमें फूड स्ट्रीट का काम होगा। ये फूड स्ट्रीट की शॉप्स हैं, और ऊपर जो है 2 बेड अपार्टमेंट हैं। इस वक्त हमारे पास कुछ चीज़ें रीसेल पे भी आ रही हैं, और अगर आपने अपना अपार्टमेंट सेल करना हो तो उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी जिस तरह मैं हमेशा कहता होता हूँ कि डोमिनियन प्रॉपर्टीज़ के किसी भी प्रोजेक्ट में आपको बुकिंग करवानी है या उसका अपडेटेड स्टेटस लेना है, तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया गया है, प्लस इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपको डोमिनियन के तमाम प्रोजेक्ट्स की अपडेट इंशाल्लाह मिलते रहेंगी। अगर आपको बुकिंग करवानी है, जो इस वक्त हमारी चल रही है डोमिनियन ग्रैंड मॉल एंड अपार्टमेंट में चल रही है, जो इसके बिल्कुल अपोजिट है, वो इम्तियाज़ के सामने बन रहा है, और उसमें आप 2 बेड 3 बेड 4 बेड अपार्टमेंट करवा सकते हैं, अपना बुक करवा सकते हैं, और प्लस शॉप्स हैं उसके अंदर, वो भी अवेलेबल फॉर बुकिंग है। तो स्टे ट्यून्ड इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।